तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईएसएल के दो बार के फाइनलिस्ट यानी कि केरला ब्लास्टर के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केरला ब्लास्टर के ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं केरला ब्लास्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो केरला ब्लास्टर एक केरला बेस्ड फुटबॉल टीम है दोस्तों। 2014 में केरला ब्लास्टर सबसे पहले आईएसएल में आए थे और उसके साथ साथ उन्होंने 2014 और 2016 के आईएसएल फाइनल तक पहुंचे थे। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं सभी आईएसएल में खेले जाने वाले 10 टीमों के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर हर एक टीम का ऑल टाइम बेस्ट 11 मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट जो टीम होगा वो कौन सा टीम होगा, ये हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे केरला ब्लास्टर एफसी के ऑल टाइम बेस्ट 11 के बारे में। तो दोस्तों इस टीम के गोलकीपर होंगे संदीप नंदी, जिन्होंने 2014 से 16 तक और उसके बाद 2017 से 18 तक केरला के तरफ से खेले थे आईएसएल और उन्होंने कुल 24 मैच खेले थे केरला के तरफ से। तो इसके बाद आते हैं इस टीम के सेंट्रल बैक के बारे में। तो दोस्तों इस टीम के सेंट्रल बैक होंगे सेड्रिक हैंगबार्ड। तो दोस्तों सेड्रिक हैंगबार्ड ने 2014 से 2016 तक केरला ब्लास्टर के तरफ से खेले थे, उन्होंने केरला के तरफ से कुल 30 मैच खेले थे। दोस्तों सेड्रिक एक बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, वो वैरायटी पोजीशन में खेल सकते हैं, डिफेंस के साथ साथ सेंट्रल बैक के साथ साथ और लेफ्ट बैक और राइट बैक में भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों सेड्रिक शायद केरला के टीम के ऑल टाइम बेस्ट फॉरेन प्लेयरों में से भी एक हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं इस टीम के और एक सेंट्रल बैक संदेश झिंगान। तो दोस्तों संदेश झिंगान इस केरला ब्लास्टर टीम के ऑल टाइम बेस्ट टीम के कप्तान भी होंगे और दोस्तों 2014 से अब तक केरला ब्लास्टर के तरफ साथ वो जुड़े हुए हैं। दोस्तों केरला के तरफ से सबसे ज़्यादा उन्होंने 76 मैच खेले हैं। तो दोस्तों संदेश झिंगान एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर और एक बहुत ही अच्छे लीडर भी हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं इस टीम के राइट बैक के बारे में। तो दोस्तों इस टीम के राइट बैक होंगे मोहम्मद राकिब। तो दोस्तों मोहम्मद राकिब 2018 से अभी तक केरला ब्लास्टर के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने केरला ब्लास्टर के तरफ से अब तक 24 मैच खेले हैं। तो दोस्तों मोहम्मद राकिब एक बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर प्लेयर हैं जो केरला के तरफ से खेल रहे हैं। इस टीम के लेफ्ट बैक होंगे जोसू प्रिएटो। तो दोस्तों जोसू प्रिएटो केरला की तरफ से 2015 और 2016-17 सीजन में खेले हैं और उन्होंने केरला की तरफ से कुल 25 मैच खेले थे। तो दोस्तों जोसू एक बहुत ही वर्सटाइल प्लेयर है जो अपने टीम की तरफ से वैरायटी पोजीशन में भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों जोसू की बात करें तो उन्होंने केरला की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे मैच खेले हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इस टीम के एक सेंट्रल मिडफील्डर के बारे में, तो वो हैं मेहताब हुसैन। तो दोस्तों मेहताब ने केरला के तरफ से 2014 से 2016 तक खेले थे और उन्होंने केरला के तरफ से कुल 38 मैच खेले हैं। तो दोस्तों मेहताब हुसैन एक बहुत ही वर्सटाइल एक मिडफील्डर है, उन्होंने केरला के तरफ से बहुत ही अच्छे मैच खेले थे और उन्होंने केरला के तरफ से 2014 और 2016 फाइनल में भी खेले थे। इस टीम के और एक सेंट्रल मिडफील्डर हैं सहाल अब्दुल समाद, जिन्होंने 2018 से केरला के तरफ से खेल रहे हैं, वो 2018 से अभी तक खेल रहे हैं केरला के तरफ से और उन्होंने केरला के तरफ से कुल 37 मैच खेले हैं। तो दोस्तों सहाल अब्दुल समाद एक बहुत ही अच्छे इंडियन मिडफील्डर हैं, यंगस्टर मिडफील्डर हैं। तो दोस्तों अगर आपको बताएं सहाल अब्दुल समाद को इंडियन ओजिल भी कहा जाता है। अब आते हैं इस टीम के राइट मिडफील्डर के बारे में, तो वो हैं सीके विनीत, जिन्होंने 2015 से 2018 तक केरला के टीम के तरफ से खेले थे, उन्होंने केरला के तरफ से 42 मैच खेले हैं और बहुत ही अच्छे राइट मिडफील्डर के साथ साथ एक अटैकिंग फुटबॉलर भी हैं। इसके बाद आते हैं इस टीम के लेफ्ट मिडफील्डर के बारे में, तो इस टीम के लेफ्ट मिडफील्डर हैं राफेल मेसी बुल्ली, जिन्होंने 2019-20 आईएसएल सीजन में केरला के तरफ से पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने केरला के तरफ से अब तक कुल 17 मैच खेले थे। दोस्तों इन 17 मैचों ने उन्होंने प्रूव कर चुके हैं कि वो इस टीम में अपना जगह बना पाए। अब आते हैं इस टीम के सेंट्रल फॉरवर्ड के बारे में, तो दोस्तों इस टीम के सबसे पहले जो सेंट्रल फॉरवर्ड हैं वो हैं इयान ह्यूम। तो दोस्तों इयान ह्यूम ने 2014 और 2017-18 सीजन में केरला के तरफ से खेले थे और उन्होंने केरला के तरफ से कुल 29 मैच खेले हैं। और तो दोस्तों इयान ह्यूम एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव स्ट्राइकर है, वो अपने आप को एक फॉरवर्ड के साथ साथ मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर पोजिशन में भी खेल सकते हैं। इसके बाद आते हैं इस टीम के और एक सेंट्रल फॉरवर्ड जो है बार्थेलोमियो ओगबेचे, जिन्होंने 2019-20 आईएसएल सीजन में केरला के तरफ से खेले थे, उन्होंने केरला के तरफ से 16 मैच खेले हैं। इन 16 मैचों ने अपने आपने आपको प्रूव कर चुके हैं कि वो केरला के टीम के ऑल टाइम बेस्ट स्ट्राइकरों में से एक है।
तो दोस्तों इन सभी प्लेयरों में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इन सभी प्लेयरों में से, और ऐसा भी कौन सा प्लेयर मुझसे छूट हो गई है जो इस टीम में आ सकते थे लेकिन मैंने इस टीम में नहीं रखा है, वो हमें बताना मत भूलिएगा। दोस्तों आपका फेवरेट जो ऑल टाइम बेस्ट केरला ब्लास्टर का टीम है वो हमें भेजना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आप मुझे कोई फुटबॉल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाके आप मुझे क्वेश्चन भी कीजिए और मैं सभी आपको का क्वेश्चन का आंसर दूंगा।